हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो। दिस इज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम कितने टाइप्स में हमने कैटेगराइज कराए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो वो देखते हैं। लास्ट टाइम हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी और इसके बारे में जाना था कि क्या क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल ग्रोथ कैसे कर रहा है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या इसका गोल्स हैं, एप्लीकेशंस बहुत सारी कौन कहाँ 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 यूज़ हो रहा है। तो जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितने भागों में कैटेगराइज करा है, फिर हम इसके कुछ टाइप्स देखेंगे कि कैसे कैसे मेन टाइप्स जो हमें यूज़ करने हैं कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो जस्ट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर देखते हैं तो देयर आर फाइव कैटेगरीज। इसे हमने फाइव कैटेगरीज में डिवाइड करा है और हर कोई कैटेगरीज में उसके अनदर टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। जस्ट लाइक दैट कि अगर आप देखें तो बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज़, बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज़, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन लर्निंग अप्रोच, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, तो इस पर बहुत सारे टाइप्स हैं। तो ज़्यादा ना डिस्कस करते हुए आज मैं एक मेन फोकस करता हूँ बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज़ पे कि कैसे हमने इसको कैटेगराइज करा। तो अगर हम बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज़ देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को हम तीन कैटेगरी में बांट पाते हैं, और वो तीन कैटेगरी कौन कौन सी है? नैरो AI, जनरल AI एंड सुपर इंटेलिजेंट AI, यानी कि इसे हम कहते हैं वीक AI, स्ट्रॉन्ग AI एंड सुपर इंटेलिजेंट AI। पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आता है वीक AI का, स्ट्रॉन्ग AI क्या होती है। तो हमने जनरल यानी कैपेबिलिटी बेस पे ही हमने AI को कैटेगराइज कर दिया और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आ पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नैरो AI होती क्या है, AI है क्या नैरो AI? नैरो AI का मतलब नैरो आप समझ रहे होंगे इसके वर्ड से ही या वीक से ही आप जान रहे होंगे, कुछ कमज़ोर सा AI, कमज़ोर AI जिसको कुछ कम आता हो, एंड स्ट्रॉन्ग AI जिसे कुछ जाता हो, सुपर इंटेलिजेंट AI कुछ और ज़्यादा आता हो। तो चलते हैं नैरो AI में, डेफिनेशन में बहुत कुछ लिखा हुआ देख लेते हैं। जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ AI इज़ डिज़ाइन टू हैंडल स्पेसिफिक टास्क विथ हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी, जैसे कहा गया था वैसे ही कुछ है, यानी कि ये स्पेसिफिक टास्क के लिए बना है, कुछ वही कर सकता है जो इसको कह रखा होगा, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकता। इट ऑपरेट विद इन ए लिमिट कॉन्टेक्स्ट एंड कैन नॉट जनरलाइज इट्स नॉलेज टू अदर एरियाज, यानी कहीं और जा नहीं सकता, किसी और एरिया में जा नहीं सकता और कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन किसी अदर थिंग्स की नहीं ले सकता। तो जो इसका काम है बस वही कर सकता है। एग्जाम्पल इंक्लूड वर्चुअल असिस्टेंट लाइक सीरी है, अब आप उससे क्या कह रहे हैं, जो उससे आप बोलेंगे वो उसका आंसर रिप्लाई करता है, जस्ट लाइक जो उसका आंसर पता होंगे उतना आंसर वो रिप्लाई कर देगा। एलेक्सा है, एलेक्सा जैसे आपके घर में एलेक्सा यूज़ करते हैं, आजकल मोबाइल फ़ोन्स में भी एलेक्सा है, हर जगह आप देख रहे हैं, कार में भी एलेक्सा आने लग गया है, हर जगह एलेक्सा है। किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है? जनरली मैंने कहा फ़ैन ऑफ कर दो एलेक्सा, फ़ैन ऑफ, तो वो एलेक्सा ने फ़ैन ऑफ कर दिया। मैंने कहा एलेक्सा म्यूज़िक प्ले, एलेक्सा म्यूज़िक प्ले कर देता है। तो यानी कि उसकी फील्ड खाली वहीं तक है जो उसे नॉलेज प्रोवाइड कर दी गई है, वो सोच नहीं सकता, वो अनदर थिंग नहीं सोच सकता उसके रिगार्डिंग। तो जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन, अमेजोन एंड इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, कैसे हमें इमेज रिकॉग्नाइज करनी है, इमेज का मतलब पैटर्न सारे दे दिए, पैटर्न उसके पास हैं और उसके उसको मैच करके उसे आंसर प्रोवाइड करना। वाइल नैरो AI कैन परफॉर्म इज डिज़ाइन टास्क एक्सपेंशली वेल, इट लेक द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और लर्न बियॉन्ड इट्स प्रोग्रामिंग। तो नैरो AI आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा नैरो बेस्ड AI क्या होता है। चलते हैं जनरल AI। आजकल जनरल AI के सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने की कोशिश करी जा रही है और कर भी लिए हैं, कुछ वॉकआउट करते हैं स्ट्रॉन्ग AI जिन्हें कहते हैं, और इसी पर काम चल रहा है। जनरल AI रेफर्स टू ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट पोजेस द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लर्न एंड अप्लाई इंटेलिजेंस अक्रॉस ए वाइड रेंज ऑफ टास्क, सिमिलर जस्ट लाइक ये ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज। दिस लेवल ऑफ AI वुड बी कैपेबल ऑफ रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। तो करेंटली जनरल AI रिमेन्स ए थियोरटिकल कॉन्सेप्ट एंड हैज़ नॉट बीन रियलाइज इन ए प्रैक्टिस। देख लीजिएगा ये लाइन भी लिख ली है, यानी जनरल AI पे काम चल रहा है, ऐसे हमारे रोबोट्स हम बनाने की सोच पा रहे हैं, कब बनेंगे और यूज़ कर पाएंगे ये सारी चीज़ें, इसके लिए हम
वॉकआउट में है. रिसर्चर आर स्टिल एक्सप्लोरिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज रिक्वायर्ड टू क्रिएट सच ए सिस्टम्स. एक्सप्लोर करने की सोच रहे हैं, कैसे एक्सप्लोर कर पाएंगे. कुछ कंट्रीज में इतना डेवलप्ड हो चुके हैं रोबोट्स, क्या वो दिखाते नहीं है, शो ऑफ नहीं करते हैं. ये भी है रिसर्च का टॉपिक, जितना शो ऑफ करा जाता है उतना ही बढ़िया होता है. तो जितना नॉलेज है उतना ही वो काम कर पा रहे हैं. अभी कोई उसके अंदर ऐसी एबिलिटी जस्ट लाइक खुद से करने की कैपेबिलिटीज अभी डेवलप नहीं हो पाई हैं कि वो खुद से सोच पाए कि कोई डेटा को ना एनालिसिस करके जितना डेटा दे रखा है उसके बाद भी जो डेटा नहीं है उसके उसको भी वो एनालाइज कर ले. ऐसी डेवलपमेंट अभी एआई के अंदर रिसर्च वॉक में है. तो जनरल एआई भी हमारा स्ट्रॉन्ग एआई हो गया, देख लिया आपने. तो बहुत जगह इस टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ करने के यानी एजेंट यूज़ करने की आगे जल्द ही आप ये देख पाएंगे. हाँ, एक होता है सुपर इंटेलिजेंट एआई. सुपर इंटेलिजेंट एआई इज स्पेक्ट्रली फ्रॉम ऑफ एआई दैट वुड सरपास ह्यूमन इंटेलिजेंस इन वर्चुअल एवरी एस्पेक्ट इन इंक्लूडिंग क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग. दिस टाइप ऑफ एआई इज ऑफन डिस्कस इन फिलोसफिकल एंड इथिकल डिबेट्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी. कंसर्न अराइज रिगार्डिंग इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस एज इट कुड मेक डिसीजन फार बियॉन्ड ह्यूमन और कंट्रोल्स. लाइक जनरल ए आई, सुपर इंटेलिजेंट ए आई इज स्टिल ए कॉन्सेप्ट एंड पॉजेस मैनी अन आंसर्ड क्वेश्चन अबाउट इट इज विजिबल एंड फिजिबल है या नहीं है, क्या बनाए नहीं बनाए. आफ्टर दैट अगर मशीन अगर काम करना सोचना डेवलप कर पाएंगी फिर हमारा क्या होगा. तो दैट्स द थिंग इज सुपर इंटेलिजेंट अभी भी बक्से में ही है. सुपर इंटेलिजेंट रोबोट अभी तक डेवलप नहीं हो पा रहे हैं. आप देखें तो सिंपल रोबोट्स, ऐसे रोबोट्स अभी बन ही नहीं पाए हैं सुपर इंटेलिजेंट. तो इस पर वॉकआउट चल रहा है. मैं ये नहीं कहता कि नहीं बन पाए, क्या पता बन रहे हो, शो ऑफ नहीं हो रहे. तो सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर बन जाए तो मुझे भी बताएं और ऐसे नए थिंग्स के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड करते रहें जिससे हमें नॉलेज मिलती रहे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ एआई.